हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो गाइस, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी हमको 44,995 की, जो कि कल की क्लोजिंग से है 596 पॉइंट माइनस में। अब आप ध्यान से एक देखेंगे, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। आज बैंक निफ्टी ने 1.5% मतलब 2% गिरावट होने वाली थी, 1.88% तक आज लो दिखाया है हमको। मैंने आपको कल ही चार्ट पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर काम है। अगर जिसने कल का वीडियो नहीं देखा तो कल का वीडियो, कल की एनालिसिस का वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने साफ साफ बताया एक चीज, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी फॉलो करते हुए चल रहा था, और एक देखिए जैसे बैंक निफ्टी यहां से जा रहा है ऊपर और यहां बना रहा है फ्लैग पैटर्न, ये होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। यहां से ब्रेकआउट देने का, यहां से ऊपर गया, यहां पे बुलिश फ्लैग बनाया। पर यहां पे शॉर्ट टर्म पे आप देखेंगे तो यहां बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं दिया, ये ब्रेकआउट लगा पर ये फेल हो गया। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक नीचे पैटर्न है और ये एक फ्लैग बना। अब ये कौन सा फ्लैग हो गया, ये हो गया बेरिश फ्लैग, और यहां पे मेरे को थोड़ा बैंक निफ्टी कमजोर लगने लग गया था, तो आज बैंक निफ्टी डाउन ही चला गया। हालांकि बैंक निफ्टी ने लास्ट मोमेंट पे कवर किया, वैसे भी सुबह से गिर ही रहा था तो दूसरा मोमेंट तो आना ही था। बात करते हैं बैंक निफ्टी को हम कल एक्सपायरी के दिन कैसे मूव करेंगे। इस बार एक्सपायरी धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज्यादा धमाकेदार एक्सपायरी। पहले मैं अपने आज के ट्रेड दिखाया था आपको। सो गाइस, ये जीरो वाला अकाउंट है, इसमें 3200 प्लस का प्रॉफिट है इस वाले अकाउंट में। ये मेरा एक कॉल था, मैंने सुबह से कॉल लिया था, वो कॉल मेरा कैंसिल कर गया था। बाकी मैंने बाकी 6 ट्रेड और लिए, जिसमें एक कॉल है वो भी प्रॉफिटेबल है, और बाकी 5 पुट हैं वो भी प्रॉफिटेबल हैं। ये मेरा कोटक वाला अकाउंट है, कोटक को मैंने कॉल शॉर्ट करके ले गया हूँ, अदरवाइज इस वाले अकाउंट में 3000 का प्रॉफिट है। तो अभी लास्ट में मैंने कॉल शॉर्ट किया तो उसमें यहाँ पे 900 माइनस में आ गया। और थर्ड अकाउंट है धन वाला अकाउंट, ये बहुत छोटा अकाउंट है, इसमें 5000 रुपये पड़े होते हैं। ये मेरे को जब रिस्क लेना होता है तो मैं इसमें लेता हूँ। इसमें 360 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ये मैं एक पोजीशन लेके गया हूँ, लेके जा रहा हूँ। अगर लॉस होगा तो अगर मेरे को लगेगा ये प्रॉफिट में नहीं आने पोजीशन, तो मैं इसको लॉस में ही निकाल दूंगा, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करके ले जा रहा हूँ। इसमें 360 का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये आज हमारा टोटल 500 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। सो गाइस, एक बार 15 मिनट चार्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। सो गाइस, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पैटर्न्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम बन सकते हैं। आपका कुछ पैसा नहीं लगना है, फ्री में आप अकाउंट ओपन कराएंगे और फिर उससे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे इसने क्या सा बनाया है, एक जे कर्व बनाया है और लास्ट में शूटिंग स्टार कैंडल बना के क्लोजिंग दे दी है। मतलब इसमें जो तेजी आई थी लास्ट के कुछ एक घंटे के अंदर, इसमें तेजी आई थी, पर ये इसने क्लोजिंग 45,000 के लेवल के नीचे दिया। मजा तब आता अगर ये 44,888 के नीचे ही आज क्लोजिंग दे देता, तो कल पक्का ही बहुत ज्यादा तगड़ा गिरना था बैंक निफ्टी। कल के लिए हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है ये 45,222 का जो लेवल है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। पहले हमारे लिए 46,222 था, तो अब देखिए नीचे ऊपर इसका ब्रेकडाउन हो गया, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर, अगर बैंक निफ्टी 45,222 के ऊपर हमको क्लोजिंग देता है तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर, जो हमको और ऊपर के लेवल दिखा सकती है वापस हमको बैंक निफ्टी पर। अब जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए पहली बात तो मैं सॉरी मैम, इंटरेस्टेड नहीं हूँ नहीं यार, इतने फोन आते रहते। अगर हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो तब रहेगा जब बैंक निफ्टी अगर हमको गैप अप मिल जाता है ना, गैप अप मिले इस लेवल के नीचे नीचे, मतलब 222 के नीचे हमको ओपन मिल जाए और वहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हम शूटिंग स्टार का हाई का ऐसा लेने का, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ओपन हो जाएगा 45,122, सेकंड टारगेट होगा 45,111, थर्ड टारगेट होगा 44,966 और फोर्थ टारगेट होगा हमारे पास, अरे अरे पेन सही से चलो, 44,888। तो ये चार लेवल हमको मिल सकते हैं। और अगर उसके बाद भी बैंक निफ्टी आपको दिखता है कि अगर आप बाकी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखते हैं कि वो भी कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप बैंक निफ्टी को होल्ड करके रख सकते हैं, अपने टारगेट को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 222 के लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है ना, तो हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। पर उधर ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेड लेते हैं, कोई रेंज बन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो आप छोटी सी क्वांट के साथ 10% क्वांट से ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज ऊपर की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेना सेफ नहीं रहेगा। ऊपर की तरफ अगर रेंज बनाकर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आप जरूर ट्रेड ले सकते हैं अच्छी खासी क्वांटी के साथ, मतलब 80% क्वांट से आप ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, रेंज हमारे पास रहेगी 44,755 से लेके 44,888 इस रेंज के अंदर ओपन होने का, हमें क्या है बैंक निफ्टी को देखना है। यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं तो आधा घंटा बैंक निफ्टी ने बिताना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो आप ले सकते हैं 30% क्वांट का ट्रेड, हमारे पास टारगेट हो जाएंगे 120 से 150 पॉइंट के। अदरवाइज बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो मैं
मैं ओनली 10% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूंगा और उसमें हमारे पास पॉइंट रहेंगे 80 से 100 पॉइंट के लिए हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। बात करते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ही ओपन होता है, देखिए गैप डाउन ओपन होगा तो फर्स्ट मैं अपनी पोजीशन कवर करूंगा जो भी है, अदरवाइज गैप डाउन हमको मिलेगा तो गैप डाउन हमको मिलेगा इसी लेवल के आसपास जो आज इसने लो बनाया 720 के लेवल के आसपास गैप डाउन मिलेगा और यहाँ पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने आज, तो यहाँ पे कल भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इस गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे हैमर को 20% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे हैमर को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कॉल की तरफ। यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड करें, यहाँ पे देख रहे थे बैंक निफ्टी को कैसे रिएक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, अदरवाइज यहाँ पे अगर पॉजिटिव पैटर्न बना भी देता तो वो जल्दी से रिवर्सल हो जाएगा कुछ 50-60 पॉइंट देने के बाद मेरे को ऐसा लगता है। अदरवाइज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ 10 या 15 मिनट भी बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन होता है बैंक निफ्टी का तो हमको नीचे की तरफ लेवल देखने को मिल सकते हैं 44,555 के लेवल, तो हम उसके लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी हम रख लेंगे ओनली 50% क्वांटिटी। वैसे मैं निफ्टी को ट्रेड करता नहीं हूँ पर निफ्टी की मैं पोजीशन लेने वाला था तो निफ्टी का मैंने डेली चार्ट देखा जो डेली चार्ट पर बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बन रहा है आज। हो सके तो रात को 10 या 11 बजे तक मैं निफ्टी का एक वीडियो डालूंगा डेली एनालिसिस का, तो उसको जरूर देखिएगा। निफ्टी पे बहुत बेहतरीन पैटर्न बन रहा है और जो तो मैं शायद निफ्टी को भी ट्रेड करूँ अब। बैंक निफ्टी का मंथली ऐसे का वीडियो भी आज मैं अपलोड कर दूंगा तो वो भी आप देखिएगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।